था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। जब ब्राह्मण के पुरखे ने मनुस्मृति लिखी तो हमारे लोगों को अधिकार नहीं दिया, मगर जब हमारे बाप ने संविधान लिखा तो हमें भी दिया ब्राह्मण को। भेदभाव नहीं, तुम्हारे पुरखे ने भेदभाव किया संविधान लिखते वक्त, हमारे पुरखों ने नहीं। तुमको भी अधिकार है, हमको भी अधिकार है। हमने ये सम्मेलन लिया, हमको सम्मेलन करने का संवैधानिक अधिकार है। तुमको हमारी बात पसंद नहीं है, तुम इससे बड़ा सम्मेलन लो, तुम अपनी बात करो, हमें कोई इतराज नहीं है। हम भारत भर में किसी ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम को अनुमति नहीं देनी चाहिए, हमने कभी कंप्लेंट नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारे बाप ने उनको भी अधिकार दिया, हम कहते हैं कि उनको भी अधिकार है तो हमें भी अधिकार है। हमारी बात कहने का, बोलने का, हमारे लोगों के सामने हमारी बात कहने का, बोलने का, अगर हमारे लोगों को बात पसंद आए तो वो हमारी बात मानेंगे, ना पसंद आए ना मानेंगे। कोई जोर जबरदस्ती लोकतंत्र है वो इस तरह से। साथियों, इस देश में लोकतंत्र को भी ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया गया, और लोकतंत्र को ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित करने की वजह से आज हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोग सारे देश भर में लड़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं, नॉमिनिक ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं, एमबीसी ओबीसी के लोग लड़ रहे हैं, और माइनॉरिटी में मुसलमान सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन लिंगायत के लोग लड़ रहे हैं। लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सभी के ऊपर अन्याय हो रहा है। लड़ इसलिए रहे हैं कि सभी के ऊपर अन्याय हो रहा है, इसलिए लड़ रहे हैं। लड़ने वाले लोगों की संख्या 85% है, और जो लोग अन्याय कर रहे हैं उनकी संख्या 3.5% है। 3.5% लोग 85% लोगों पर अन्याय नहीं कर सकते, मगर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था, 15 अगस्त 1947 से ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया। जान लो,